भिवंडी शहर में एक बार फिर से विकास को लेकर निधि की गई मंजूर। बता दें कि पद्मानगर क्षेत्र के 3 रोडों को RCC बनाया जाएगा। इस विषय को लेकर वहां के स्थानीय पूर्व नगर सेवक, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक व पूर्व सभागृह नेता सुमित पाटिल द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने जानकारी दी कि भिवंडी लोकसभा के सांसद व केंद्र पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल के पत्र पर भिवंडी शहर के सड़कों में 5 सड़क को मंजूरी दी गई, जिसे आपको बता दें कि RCC में तदबील किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि भिवंडी शहर के 52 रोड की जो मंजूरी मिली थी, जिसका कार्य रोक दिया गया था, उसी में से इस 5 रोड को फिर से मंजूरी दे दी गई। जिसमें बात की जाए तो ये जो RCC रोड पद्मानगर क्षेत्र में बनाए जाएंगे, पहला टप्पा जो है वार्ड क्रमांक 17 राम मंदिर से विजयश्री होटल, हाथी साइजिंग से राम मंदिर तक ये RCC बनाया जाएगा। वहीं दूसरा जो टप्पा है गणेश टॉकी से सागर देसी बार से एस मल्लेशम इनके घर तक बनाया जाएगा। वहीं तीसरा टप्पा जो है वार्ड क्रमांक 17 गणेश टॉकी से राम मंदिर तक, यानी कि इन तीनों RCC सड़कों को जो है पद्मानगर क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी जो है पत्रकार परिषद के माध्यम से सुमित पाटिल ने दी और कहा कि भिवंडी शहर के विकास के लिए सभी को आगे आना चाहिए। वहीं केंद्र पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया और क्या कहा ये सुनते हैं। आज पत्रकार परिषद लेने का कारण ये है कि पद्मानगर में माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल इनके माध्यम से जो 3 रोड सैंक्शन हुए हैं, उसके लिए आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है और आप लोग यहाँ पे आए मेरे बुलाने पे, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज MMRDA के माध्यम से 28 तारीख को विजयश्री होटल से लेके राम मंदिर तक, गणेश टॉकीज से लेके सागर देसी बार एस मल्लेशम के जी के घर तक, और चौथा 5वां रोड है गणेश टॉकीज टू राम मंदिर, ऐसे 3 रोड माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे DCM साहब माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनको दरखास्त करके, खास करके पद्मानगर के लिए और भिवंडी में भी अलग अलग जगहों में हमने मांग की, तो वो मांग के आधार पर उन लोगों ने हमें यहाँ पे एक 12 करोड़ का निधि राज्य सरकार के MMRDA के माध्यम से उन्होंने हमें दिया है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ पे आप लोगों को मैंने बुलाया। ये 3 रोड का 12 करोड़ रुपये टोटल वर्क ई टेंडर नोटिस निकला है 5 रूट का, उसमें सागर प्लाजा होटल नायगांव, शांति नगर मेन रोड टू भिवंडी निज़ामपुर कॉरपोरेशन एरिया, और दूसरा रोड है उसमें इरशाद होटल खंडूपाड़ा टू दारुल मस्जिद भिवंडी, ऐसे सेकेंड रोड है, और बाकी के 3 रोड है, रोड नंबर 3, 4, 5, ये बाकी के रोड पद्मानगर के। ये तीनों रोड के मतलब कितने अमाउंट है? तीनों रोड की 12 करोड़ रुपए अमाउंट है, जैसे हमने डिमांड की थी उसका एस्टीमेट माननीय कॉरपोरेशन ने निकाल के MMRDA को सबमिट किया था, एक अंदाज पत्रक था, तो तभी उसकी कॉस्टिंग समथिंग 12 करोड़ रुपए है, ऐसा MMRDA का जो पत्र आया था माननीय आयुक्त साहब को 2021 में, तो वो पत्र भी आपके सामने है। माननीय कपिल पटेल साहब ने जो डिमांड की थी माननीय एकनाथ शिंदे जी को, वो पत्र भी यहाँ पे है, और उसके बाद में जो पेपर नोटिस निकली है टेंडर का, वो कॉपी भी यहाँ पे है। तो आप लोगों को बुलाने का कारण ये की है कि ये जो भिवंडी शहर का विकास लोक प्रतिनिधि कर रहे हैं, भिवंडी में खुशी की बात है, कोई भी हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, या माननीय मंत्री महोदय हो, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भिवंडी के विकास में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके भिवंडी शहर के लिए जो निधि ला रहे हैं, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जैसे रोड डिमांड करने के बाद
शहर में विकास की निधि आती है और उसके ऊपर लोगों को पता चलना चाहिए कि निधि किसने लाई है, किसके बलबूते पे आई है, किसके प्रयत्न से आई है। तो आप लोगों को बुलाने का ये भी कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी का सरकार है, उस सरकार के माध्यम से ये पांचों रोड आए। डिमांड तो हर MLA हर MP कर सकता है, लेकिन वो कोशिश करने का काम और निधि देने का काम वो अलग विषय है। शासन निधि देता है कि शहर का विकास हो, वो नहीं देखता है कि ये समाजवादी का है या भारत भाजपा का है या शिवसेना का है या कोई और पार्टी का। निधि शहर के विकास के लिए आया, तो इसके लिए मैं खुशी जता रहा हूँ और लोगों को भी अपील करूँगा कि आने वाले समय में जो पद्मनगर के रोड होने वाले, इसके लिए रोड वाइंडिंग में भी सहकार्य करें लोग। ऐसे आप लोगों के माध्यम से मैं उनको अपील करूँगा। जैसे कि आपने कहा कि 12 करोड़ रुपये की रोड की मंजूरी हो चुकी है, इनका अब इसका टेंडर कब तक होएगा और कब तक इस रोड के काम की शुरुआत? ये अभी MMRDA ने जैसे नोटिस दिए पेपर में, इसमें तो MMRDA ने क्लियर किया है कि कम टाइम, ये एक्चुअली पहले टेंडर हो चुके थे। ये 3 जो पद्मनगर के टेंडर थे, कुछ तांत्रिक कारणों के वजह से वो डिले होके अभी ये टेंडर मर्ज किए। पहले इसका अलग से एक टेंडर निकला था, लेकिन कुछ MMRDA की पॉलिसी की वजह से वो टेंडर मर्ज करके अभी डायरेक्ट 36-70 लाख ऐसा करोड़ रुपए का वो टेंडर निकला है। उसकी लास्ट तारीख जो है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, वो 27 तारीख है। कभी 45 दिन का ही समय रहता है, लेकिन ये टेंडर हो चुके थे। इसके लिए MMRDA ने भी समय कम रखा है, तो खुशी की बात है। मुझे लगता है फरवरी तक ये काम चालू होना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी कोई भी हो लाने के लिए, यहाँ उद्घाटन जब किया जाएगा तो सब सहमति से करेंगे? नहीं, तो वो MMRDA, देखो MMRDA का वो विषय है, वो MMRDA लोग प्रतिनिधि जो भी है यहाँ के सबको बुलाएंगे। वो जो प्रोग्राम आता है वहाँ से, तो उसमें लोग प्रतिनिधि यहाँ के लोकल जो भी MPs है, MLAs है, मिनिस्टर्स है, उनको सभी को बुलाया गया। वो MMRDA करती है और माननीय हमारी महापालिका उसमें सहयोग रहता है उसमें। सर, ये कपिल पटेल ने बहुत मेहनत की इसके बारे में ना, ऐसा नहीं? कपिल पटेल साहब ने ही पत्र दिया आपको, पत्र व्यवहार मैंने दिखा है कि किसने पहले भी हुआ था, इससे पहले भी इसका बारे में बहुत चर्चा किए थे सबसे। नहीं, चर्चा नहीं है, एक बार ही हम लोग मिले थे माननीय एकनाथ जी को, एकनाथ जी शिंदे जी को, तो उन्होंने तुरंत उसको मंजूरी दी थी, क्योंकि भिवंडी में 17 रोड हुए थे और बाकी के बहुत सारे रोड पेंडिंग थे। 52 रोड के रोड में ये रोड थे, 52 रोड के रोड में ये रोड है जो उद्धव जी के सरकार में इनको स्थगिति मिली थी। अभी उनको उठा के एक 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 करके रोड बना रहे सब, तो उसमें कोई एरिया नहीं देखा जा रहा है, क्या पूर्व का है या पश्चिम का है या ऐसे कोई नहीं सिलेक्ट नहीं किया है। जो भी रोड जो बनेंगे तो इसमें पूरा सिस्टम रहेगा मेरे ख्याल से, गटर भी बनेंगे? नहीं, पूरा सिस्टम है इसमें, देखिए उनकी ही कंसल्टेंसी रहती है, MMRDA खुद इसके ऊपर ध्यान देती है। इसमें साइड गटर हो गए, फुटपाथ होगा, इसमें स्ट्रीट लैम्प नए लगेंगे, इसमें जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हुआ है या नहीं हुआ है वो कॉरपोरेशन देख के वो तुरंत उनको भी इंटीमेट किया है अभी मैंने, जिधर जिधर थोड़ा थोड़ा काम बाकी है ईगल का वो भी करवा के लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये 3 रोड में किधर काम बाकी है, बाकी के 2 रोड में शायद काम बाकी है। ईगल का जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है या पाइपलाइन का काम है, सीवरेज का काम है, वो भी कब दी गई थी सर? इसकी मंजूरी हमें 2021 में दी थी, फिर उसका लेटर आया 2022 में, फिर टेंडर हुआ, उसके बाद वापस इसका ही टेंडर हुआ।